ये हमारे लो रेंज के मिल्क मग है जी। ये आपका अगर आप बल्क पैकिंग में लेंगे, इसकी 48 पीस की बल्क पैकिंग होती है। ओके, देखिए पेंटिंग कैसे बन रहा है। हैप्पी बर्थडे लुक में जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी तरह की पेंटिंग बनती है हमारे पास। यहाँ पे ग्लेज होने के बाद में यहाँ पे ये हमारी ट्रॉलीज होती है। ये हमारा फ्लावर पॉट का मोल्ड होता है। इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्ले है लिक्विड फॉर्म में जी। हम इसको इसके अंदर डाल के बिल्कुल सेम इस मोल्ड की शेप ले लेगा जी। और फिर ये फाइनल में कुछ ऐसे उनमें देखिए पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है ना जी भैया। देखिए दोस्तों प्रोसेस देखिए, पूरा बहुत ही हटका प्रोसेस होने वाला है। ये भी आपके बंगाल में बहुत मोस्ट सेलिंग आइटम है। ओके, जैसे शादी में गिफ्टिंग के लिए या उस फंक्शन में गिफ्टिंग के लिए ये काफी चलता है वहाँ पे। ये देखिए सर, टनल से निकल के आ चुका है ये सारा। इसके बाद में ये आपका छूटेगा भी नहीं, ये फायर हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, ये सब शॉर्टिंग होने के बाद में देखिए जो खराब थे वो सारे पीस निकाल दिए गए। ये बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट पैक होकर आपका पैकेज कर दिया इसकी। सो जैसे गाइस दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ सीधा कलकत्ता से यूपी में। आप देख ही सकते हो, मतलब एक क्रॉकरी का फैक्ट्री होने वाला है, बहुत ही बढ़िया फैक्ट्री। पूरा फैक्ट्री आउटलेट से आपको सारा का सारा दिखाऊंगा, जो कप सेट बनता है सारा कुछ, टी सेट सब कुछ दिखाऊंगा, एक पर एक कैसे प्रोसेस होता है सब कुछ। तो चलिए एक जो ओनर है उनसे आपको मुलाकात करा, तो मैं सारा का सारा चीज जानकारी ले लेता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया आपका प्रॉपरली एक बार फैक्ट्री का नाम बता दीजिए और प्रॉपरली एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा एक बार बता दीजिए। सर हमारी फैक्ट्री की फर्म का नाम मेटल सिरेमिक्स है जी। और हमारा मेन आपका जीडी रोड पे ताय धर्म काटा के पास में हरियर पॉटरी के नाम से हमारी फैक्ट्री का नाम है जी। तो दोस्तों आपको मैं सीधा कलकत्ता से यूपी ले आकर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा सारा कुछ कवर करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सर, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा दीजिए कैसे क्या होना पड़ेगा। ये सर हमारा सर रॉ मटेरियल होता है जी। रॉ मटेरियल में जो आपकी क्ले होती है उसको इसमें ग्राइंड करके फिल्टर कर लेते हैं जी। बिल्कुल, इसमें ये ग्राइंड होते हैं, इसमें ग्लेजेस आपके क्ले वगैरह सब ग्राइंड होके जी ये फिल्टर है हमारा। ओके, इसमें सारा फिल्टर हो जाता है। हाँ हाँ, ये आप जैसे कि देख रहे हैं। सो दोस्तों मतलब देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे फिल्टर हो रहा है सारा का सारा चीज, देख लीजिए मशीन से। ये फिल्टर होने के बाद में जी ये फाइनल फॉर्म आ जाती क्ले की, क्ले जिस हिसाब से कब बनते हैं ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मतलब कितना बढ़िया से आपका पूरा का मिट्टी यहाँ पे तैयारी हो रहा है ना सर। जी जी जी। फिर उसके बाद में ये हमारा मेकिंग सेक्शन है। हाँ हाँ, यहाँ से मेकिंग चालू हो जाती है। Okay. जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोल्ड होता है। हाँ, ये मोल्ड होता है, ये आपका ये हमारा जिगर जॉली से बोलते हैं, इसमें फिट करके इसमें एक क्ले डाली जाती है और इसे ऐसे कुछ प्रोसेस होता है इसका, और ये अपना कप में अंदर मोल्ड के अंदर शेप ले लेती है क्ले। फिर ये पूरा मतलब ये जो होता है इसका मतलब छाछ होता है ना। जी जी बिल्कुल, छाछ होता है ये इसका। फिर ये इस फॉर्म में आता है आपका जी। इसमें अभी ग्लेजिंग पेंटिंग और काफी चीज होनी बाकी है अभी। क्ले फॉर्म को हमने कप की फॉर्म में दे दिया है जी। इसके बाद में फिर हमारी इसके हैंडल एक्स्ट्रा अलग से लगते हैं और फिर अलग से फिटिंग्स होता है। ये आपका मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में इसकी तो दोस्तों देखिए फैक्ट्री का जितना दूर तक आपको नजर आएगा उतना दूर तक आपको फैक्ट्री नजर आएगा, है ना सर। जी बिल्कुल। तो सर चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होता है जी। इसके बाद में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कपों को फिनिशिंग दी जा रही है जी। जो भी उसकी जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी, ये जैसे आप देख रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा ये आ गई है, इसको बिल्कुल ये फिनिशिंग करके बिल्कुल फाइनल फॉर्म में ला देते हैं जी। बिल्कुल। तो दोस्तों मतलब देखिए अलग अलग कापों का डिजाइन किया जा रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया से। तो सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। जी सर, इसके बाद में सर ये ग्लेज होने जाता है जी। ग्लेजिंग से पहले हम इसमें पेंटिंग करवाते हैं, यही यहाँ पे होती है। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी पेंटिंग होती है। पेंटिंग दोस्तों देखिए फैक्ट्री में बहुत आवाजें हो रहा है तो इसीलिए आपको शायद सुनने में दिक्कत होगा। देखिए पेंटिंग कैसे बन रहा है। वाओ, देखिए दोस्तों हैप्पी बर्थडे लुक में आपको पूरा का पूरा मतलब सारा कुछ जो आइटम होने वाला है हो जाएगा। जी जी बिल्कुल जी। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी तरह की पेंटिंग बनती है हमारे पास में, इसमें काफी डिजाइन होते हैं, हर दिन नया डिजाइन बनता है सर यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा फैक्ट्री आउटलेट होने वाला है आपके लिए, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हो पूरा का पूरा बहुत अच्छे मुनाफा के साथ, है ना सर। जी बिल्कुल। तो सर चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के बाद में हमारी ग्लेजिंग होती है जी, वो इसके पीछे होती है हमारी। ओके, ये हमारा ग्लेजिंग प्रोसेस है। ग्लेजिंग होता है के बाद में इसके ऊपर ग्लेजिंग होती है जी।
जैसा कि आप देख रहे हैं वो प्रिंटेड हुए पीस को उस ग्लेज में डिप कर देते हैं जी। तो दोस्तों मतलब देख सकते हो कितना बढ़िया प्रोसेस से काम चल रहा है पूरा का पूरा, और भी प्रोसेस होता है वो भी आपको दिखाऊंगा, है ना भैया। इसके बाद में सीधा ये टनल में जाने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ। आइए मैं आपको टनल में जाते हुए दिखा जी। और दोस्तों इस कप का प्राइस जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कप का प्राइस क्या होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस। ये हमारा लोडिंग सेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लेज होने के बाद में यहाँ पे ये हमारी ट्रॉलीज होती है, ट्रॉलीज में लोडिंग होनी चालू हो चुकी है जी। ये हमारी टनल है और पूरा टनल में चलाया जाता है क्या? ये पूरा टनल में चला जाता है, इसके अंदर 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है जी। 1200 डिग्री जी, बिल्कुल। ओके सर, नेक्स्ट और भी कुछ प्रोसेस होने वाला है क्या? इसके बाद में टनल में जाके सीधा वहाँ से आप जो उसका आउटर एरिया वहाँ से निकल के आता है। हाँ हाँ, आपको दिखाता हूँ भाई जी। तो जैसा कि आपने देखा सर, वहाँ पे ये वाइट बिल्कुल वाइट पीस होकर गए थे। हाँ हाँ। अब ये देखिए पेंटिंग के फोन में आ चुके हैं ये जी। ये फायर होने के बाद में ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। हाँ हाँ। तो दोस्तों मतलब आप देख सकते हो बहुत ही गर्मी वाला सेक्शन होने वाला है जी। तो आपको पूरा अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, पूरा आप प्रोसेस देख सकते हो, ट्रॉली के अंदर से यहाँ पर आ गया है और ये प्रोसेस चल रहा है अभी जी, बिल्कुल, है ना सर। और नेक्स्ट प्रोसेस कुछ होता है क्या सर? नहीं सर, इसके बाद में हमारे यहाँ पे पैकिंग सेक्शन है, ये बल्क पैकिंग, सिक्स पीस पैकिंग जो डिमांड होती है कस्टमर की। हाँ। उसके अकॉर्डिंग हम उसे पैक करवा के यहाँ पे डिस्पैचिंग कर देते हैं। ओके, मतलब दोस्तों यहाँ से आपका पूरा प्रोडक्ट तैयार होके इस तरह का मतलब कार्टून बनके आपके घर पे चला जाएगा। देखिए 96 पीस का पीसेस होने वाला है ना सर? जी सर, बिल्कुल। और सर नॉर्मल मतलब जो सबसे मिनिमम पीसेस कितने पैकिंग का होता है? मिनिमम आपका 6 पीस का पैकिंग होती है। 6 पीस का मिनिमम पैकिंग होता है, वो थर्मोकोल में पैकिंग होता है। जी, थर्मोकोल में पैकिंग होती है जी। सर ये हमारा बल्क पैकिंग वाला एरिया था, इसमें बल्क पैकिंग और आपके फ्लावर पॉट और आपके काफी जार हांडीज वगैरह सब यही बनते हैं जी। मैं आपको फ्लावर पॉट और जार हांडीज का मेकिंग सेक्शन दिखाता हूं जी सर। चलिए, ये तो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स है। हां, जैसा कि ये बिल्कुल आपके रेडी टू यूज है जी। मैं आपको इनके मेकिंग सेक्शन पे लेके चलता हूँ, उनका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों चलिए फ्लावर पॉट का पूरा मेकिंग सेक्शन आपको दिखाता हूँ। और आपको मतलब बोला ये वीडियो के शुरुआत में, सारा का सारा प्राइस जानने के लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना होगा गाइस। तो सर ये सारे हमारे बड़े आइटम्स का फ्लावर पॉट का जार का हांडीज का ये हमारा मेकिंग सेक्शन होता है जी। इसमें ये हमारा फ्लावर पॉट का मोल्ड होता है। हाँ हाँ। इसमें जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये क्ले है लिक्विड फॉर्म में जी। हम इसको इसके अंदर डाल के बिल्कुल सेम इस मोल्ड की शेप ले लेगा जी। और फिर ये फाइनल में कुछ ऐसे। ओके, तो फाइनल पे इसके बाद ग्लेजिंग होगा, फिर कलरिंग होगा, बिल्कुल जो मैंने आपको पहले दिखाया था प्रोसेस। तो दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब बढ़िया से प्रोसेस होता है यहाँ पे। पूरा का पूरा फैक्ट्री जो होता है डायरेक्ट आपको लेके आया हूँ, मतलब कोई भी यूट्यूबर आपको दिखाएगा नहीं कैसे क्या होता है, कोई भी कंपनी दिखाएगा नहीं क्या राज है कंपनी का, कैसे क्या प्रोडक्ट तैयार होता है। तो चलिए सर नेक्स्ट प्रोसेस कुछ होता है तो देखता हूँ जी। इसके बाद मैं आपको अपने बायो सेक्शन में लेके चलता हूँ जी, जहाँ पे बायो चाइना या टी शर्ट और ये सब बनते हैं जी। मैं आपको वो वाली सेक्शन में लेके चलता हूँ। बिल्कुल सर, चलिए। तो ये भैया ये हमारा सारा प्लेन बायो जो होती है, प्लेन सेक्शन है सारा, यहाँ पे प्लेन वाइट मटेरियल में बायो वो बनती है, बायो चाइना जी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टी शर्ट का वो बना रहे हैं, छोटी केतली है ये जी। देखिए दोस्तों ये मोल्ड में, जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बता चुका हूँ, मोल्ड में क्ले डाल के वो मोल्ड की फॉर्म में क्ले आ जाती है, फिर उसे थोड़ी देर सूखने के लिए, सूखने के बाद में फिर उसे ऐसे खुल कर निकाल देते हैं जी। जैसे कि हमारे देखिए दोस्तों मतलब किस तरह से प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा काम। वाओ, तो सर चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आपके यहाँ पे। फिर सर इसी में आपका उसका ऊपर का जो लिड होती है वो ये है, सबके अलग अलग मोल्ड है और सब अलग अलग वो निकलेगा इसमें से। देखिए दोस्तों जी, इसके बाद में फिर वही सेम प्रोसेस होता है फिनिशिंग, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ इसकी। तो उसके बाद में फिर वो ग्लेजिंग होती है, ग्लेजिंग के बाद में सीधे टनल में चले जाते हैं जी। तो दोस्तों आपको शायद सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्योंकि बहुत मतलब फैक्ट्री में बहुत आवाजें हो रहा है। तो चलिए सर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये ग्लेजिंग हो रही है, देखिए सेम प्रोसेस वही होता है जी। फिर उसके बाद में ये हमारी सेकंड टनल है, इस सेकंड टनल में जैसा कि आप देख रहे हैं वो ग्लेज होने के बाद में सीधा टनल में दोबारा फायरिंग होने के लिए जा रहा है अंदर जी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मतलब सेकंड बार हो रहा है, देखिए
सर ये क्या प्रोसेस हो रहा है हमारे को बता दीजिए जी। ये यहाँ से फाइनल ग्लेजिंग होके ये सारा ट्रॉली पे आपका इसे सेटअप कर दिया है जी। सेम वही 1200 डिग्री टेम्परेचर में ये फायर होगा जी बिल्कुल। ये बायोचार होता है इसलिए इसे डबल फायर करना पड़ता है। ये पहले यहाँ फायर होगा, फिर हमारी एक स्मॉल टनल है जिसका 600 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसमें इसकी डेकोरेशन करके वहां से इसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जी सर। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं सर, ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ चुका है जी। ये अभी सिर्फ वाइट फॉर्म में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वाइट बायो फॉर्म में ये हमारी थर्ड प्रोसेस में जाएगा। इसमें आपका स्टिकर लगेंगे और लस्टर होगा, और ये हमारी थर्ड जो टनल होगी उसमें इसे 600 डिग्री टेम्परेचर फायर करके उसे बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे जी। तो दोस्तों देखिए, मतलब इस तरह से पैकिंग होके आपके घर तक चला जाएगा। और जो प्रोडक्ट देख रहे हो आप, इस प्रोडक्ट का प्राइस जानने के लिए मैं आपको और एक बार बोल देता हूँ, पूरा एंड तक देखिए, प्रोडक्ट का सारा प्राइस डिजाइन सब कुछ दिखाऊंगा एंड पे, है ना सर जी। जैसा कि आपने अभी पीछे बनते हुए देखा था, ये देखिए ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है। अभी बस इसमें इसकी डेकोरेशन और इसका पैकिंग बाकी है जो कि मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये सब दिखा चुका हूँ भैया, अब मैं आपको अपने डेकोरेशन सेक्शन में दिखा देता हूँ, जहाँ ये सब बिल्कुल फाइनल उसमें आ जाएगा फॉर्म में, और आपका ये पैकिंग होता है मैं आपको सब उसके अपनी डेकोरेशन यूनिट में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब आपका जहाँ पर पैकिंग हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है, वहाँ पे आपको ले जाता हूँ, और फिर आपको मैं जो वहाँ पर कैटलॉगिंग हो रखा है सारा का सारा प्रोडक्ट जहाँ पर सजा हुआ है, डेकोरेशन किया हुआ है, वहाँ पे आपको ले जाता हूँ। बिल्कुल। सो भैया, आपने तो पूरा फैक्ट्री का मतलब टूर करा ही दिया है जी। तो आप क्या दिखाने वाले हैं मेरे व्यूअर्स? जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे प्लेन व्हाइट मक्स बनते हैं जी, मैंने आपको काफी सारी प्लेन व्हाइट चीजें दिखाई थी, वो सारी यहाँ के डेकोरेशन होती है। ओके, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, उस पे स्टिकर लगाए जाते हैं, उस पे पेंटिंग होती है जी, ये आप देख रहे हैं। बाकी अंदर देखिए, अंदर हो रहा है। तो दोस्तों मतलब देख सकते हो, आपके पूरा फैक्ट्री का तो टूर दे ही चुका हूँ, अब डेकोरेशन वाली जो जगह है वहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। तो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे क्या बनता है यहाँ पे। ये देखिए, इसे लस्टर बोलते हैं जी। ये पूरा हमारा लस्टर का एरिया है सर। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कहाँ पर ज्यादा चलता है? ये आपके वेस्ट बंगाल में चलता है। वेस्ट बंगाल में ज्यादा चलता है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बढ़िया मेरे आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए सिर्फ आपको स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उन पे आपको कॉल करना है, सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, है ना भैया जी? बिल्कुल भैया। अब आगे हमारा ट्रांसफर का एरिया है जी। यहाँ पे आपके कपों पे ट्रांसफर हो गए, आपकी बाउल्स में ट्रांसफर हो गए, टी शर्ट हो गया, सब यही बनता है भैया। ओके, मतलब दोस्तों जो प्रिंट वाली काप होता है उनमें देखिए पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है ना जी भैया। देखिए दोस्तों प्रोसेस देखिए, पूरा बहुत ही हटका प्रोसेस होने वाला है। और सर जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये तो उठ नहीं जाएगा ना? नहीं, अभी इसके बाद में ये 600 डिग्री टेम्परेचर पे फायर होगा जी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों कितना सारा प्रोडक्ट यहाँ पे पूरा रेडी हुआ गया है जी। आप बाउल से देखिए, ये अभी फायर होगा। अब मैं आपको इसका फायरिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ। फायरिंग प्रोसेस दिखते चलिए भैया। ये देखिए भैया, ये सारा ट्रॉली पर सेटअप हो जाता है ऐसे जी। हमारी ट्रॉलीज होती है, ये ट्रॉलीज के थ्रू ये हमारी टनल है जिसका टेम्परेचर आपका 600 डिग्रीज होता है। ये इसकी 30 मिनट की पुशिंग्स होती है जी, उसमें ये 30 मिनट फायर होता है 600 डिग्री टेम्परेचर पे। तो दोस्तों मतलब देखिए पूरा का पूरा, मतलब सर इसको क्या बोला जाता है, भट्टी बोला जाता है? ये टनल, टनल बोला जाता जी, है जी जी जी। देखिए दोस्तों मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए सर, टनल से निकल के आ चुका है ये सारा प्रोडक्ट। इसके बाद में ये आपका छूटेगा भी नहीं, ये फायर हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, ये आपका ट्रांसफर है, ये आपका लस्टर जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। वाह दोस्तों, देख सकते हो पूरा का पूरा मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको हो रहा है। तो पूरा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर तो होने ही वाले हैं, रेट भी बहुत ही सही होने वाला है ना भैया जी। भैया तो दोस्तों रेट देखने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए सर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसके बाद में सर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में टी शर्ट पैक हो रहा है। हाँ हाँ, इसकी शॉर्टिंग होती है पहले जी, जो भी खराब प्रोडक्ट होगा वो साइड निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में इसकी शॉर्टिंग करके से पैक कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों शॉर्टिंग देखते हैं कैसे क्या होता है। आपका टी शर्ट पैक हो रहा है जी, आ जाइए देख लो। ये सब शॉर्टिंग होने के बाद में देखिए जो खराब थे वो सारे पीस निकाल दिए गए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट पैक हो गया आपका, पैकिंग कर दीजिए इसकी। और पूरा का पूरा इसका मतलब प्राइस अप्रोक्स होने वाला है दोस्तों, ये देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सर का जो अलग सेक्शन है उनमें जाकर पूरा का पूरा प्रोडक्ट का प्राइस दिखाऊंगा, है ना भैया? बिल्कुल सर। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास 99 के प्रोडक्ट्स सारे अवेलेबल रहते हैं जी। ये आपके 99 में बहुत चलता है, 99 में सिर्फ
जी 99 की सेल्स में जी जी, ये आपका हमारे पास 99 के सारे प्रोडक्ट और उससे अपर रेंज जो होती है वो सारे अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास काफी स्टॉक रहता है जी। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना बढ़िया स्टॉक होने वाला है, सब आपको मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों चलिए मतलब कैटलॉग सेक्शन में जहाँ पर सभी माल देख सकता हूँ चाहे वहाँ पे जाता हूँ। बिल्कुल, चलिए सर। चलिए सो भैया, मतलब ये आपका पूरा का पूरा कैटलॉग सेशन हो गया जी, है ना? जी बिल्कुल। और प्रॉपरली क्या क्या आइटम होने वाला है पहले मैं शुरुआत से दिखाइए जी। सर थोड़ा सा हमारा इसमें सारे प्रोडक्ट तो हम कवर नहीं कर पाए हैं डिस्प्ले में, पर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो मैं आपको एक सारी वैरायटी वाइज दिखवा देता हूँ जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर लो रेंज से। ये आपके लो रेंज मक्से, इसमें दो तरीके के साइज होते हैं सर, बड़ा और छोटा। ये आपका बल्क पैकिंग में यानी कि 8 डजन जिसे कहते हैं 96 पीस की पैकिंग होती है और 6 पीस की पैकिंग में दोनों में अवेलेबल होता है। और इसकी रेंज आपकी 450 से लेके 550 के बीच में होती है, साइज और क्वालिटी के वाइज पीस के हिसाब से बता दीजिए क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स है उसको मतलब समझने में पीस आपके ऐसे होंगे 3 या 4 रुपए पीस, 4 से 5 सब क्वालिटी के अकॉर्डिंग रहता है। जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उतने रेट हाई होंगे, जितने लोग उतने कम होंगे। बिल्कुल सर। ऐसे 6 पीस में अगर आप थर्माकोल पैकिंग में लेंगे गिफ्ट पैकिंग में तो आपको 45 रुपीज से लेके 50 की रेंज रहती है वो एक बॉक्स का जी, एक सेट का 6 पीस का, एक सेट का जी बिल्कुल गिफ्ट पैकिंग में। और दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट और कुरियर का सुविधा है ना? बिल्कुल है। और सर मिनिमम ऑर्डर कैसा रहेगा? मिनिमम ऑर्डर सर हमारा 100 कार्टन्स का रहता है। 100 कार्टन्स का जी, 100 मतलब मान के चलिए तो कितने रुपए का होगा ये आपका? लमसम होगा 50 से 60,000 रुपीज जी। तो दोस्तों मतलब बहुत ही बढ़िया कारखाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाला है तो इनका ऑर्डर भी बहुत ही बल्क में होता है जी। तो आप जितना बल्क में ऑर्डर कर सकते हो उतना ही आपको प्राइस बहुत ही कम होगा, है ना भैया? बिल्कुल। चलिए सर नेक्स्ट आइटम देखते हैं। इसमें फिर मैं आपको देखा था अपनी कपसासर की रेंज जी। ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है कपसासर की। ओके, ये हमारी सबसे लो रेंज की कपसासर है। ये आपकी 120 से लेके 125 की रेंज के बीच में क्वालिटी के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में हमारी ये बायो सीरीज होती है। बायो सीरीज क्या? इसमें ये स्टैंडर्ड सीरीज है बायो में। ये आपकी 130 से 140 रुपीज की है। फिर इसके बाद में हमारी प्रीमियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये हमारी प्रीमियम सीरीज कपसासर है। ये आपकी 150 से 170 की रेंज रहती है। और फिर इसमें काफी डिजाइन आते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका मतलब जहां से भी आप इंडिया के देख रहे हो वहां का जो आइटम चलता है सर, जो जो मतलब कलकत्ता बिहार वगैरह में जो आइटम चलता है वो कुछ दिखा दीजिए जो ज्यादा चलता है। ये सारे आपके कलकत्ता के ही मैं आपको बता, वेस्ट बंगाल में ये सारे आइटम चलते हैं। कपसासर हो गई, कपसासर में गोल्ड लाइन हो गई, आपके देख सकते हैं। ये आपके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ये ओरिजिनल गोल्डन कपसासर है ये जी जी। और आपका मक्स चलते हैं बायो चाइना में, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सारे डिजाइन, ये सारे बायो चाइना मक्स है। ओके जी, इसका प्राइसिंग क्या रहेगा? इसकी आपकी 70 से 75 रुपीज, 70 से 75 रुपीज एक सेट का जी, 6 पीस सेट का जी जी। तो दोस्तों मतलब आप देख सकते हो कितना कम दाम में आपको मिलने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरा का पूरा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होने वाला है। और जो सबसे बढ़िया सुविधा जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, इसमें अगर आप बल्क क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें हम आपके लिए और भी डिस्काउंट करते हैं जी, और भी डिस्काउंट जी बिल्कुल, इससे भी अलावा। तो नेक्स्ट आइटम क्या होने वाला है जी? अब नेक्स्ट आइटम है हमारा मिल्क मग जी, जो लो रेंज में है। लो रेंज से मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। ये हमारे लो रेंज के मिल्क मग है जी। ये आपका अगर आप बल्क पैकिंग में लेंगे, इसकी 48 पीस की बल्क पैकिंग होती है। ओके, ये 48 पीस आपके क्या कहते हैं लमसम 700 से 750 रुपीस का कार्टन होता है इनका जी। और आपका क्या कहते हैं अगर आप वन पीस में लेंगे तो 21 रुपीस सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग में आएगा ये। 21 रुपीस सिर्फ जी? बिल्कुल, कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है वन पीस में, ये ऐसे आएगा। ओके, पैक होके फिर इसमें हमारे पास में इसमें आपके पास सारे हमारे पास सारे डिजाइन मिल जाएंगे। डिजाइन सारे मिक्स आएंगे सर, सारे मिक्स आएगा जी, कोई पर्टिकुलर डिजाइन हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, मिक्स ही हो पाएगा जी। और प्रॉपर लेके करके प्राइस बता दीजिए तो अच्छा होता। मैंने आपको इसके प्राइस बताई दिए। अब मैं आपको जैसे कलर्स मक्स हो गए, ये 4 डजन की पैकिंग है कलर्स मक्स, और इसमें 6 पीस की पैकिंग आती है। ओके, ये आपके 600 से 650 रुपीज के हैं बल्क में। 650 रुपीज जी, 600 to 650 जी। और आपके 6 पीस में ये 100 से 130 ऐसी रेंज में रहते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट आइटम क्या होने वाला है? ये आपके 8 डजन लस्टर होता है। ओके, 8 डजन पैकिंग में और 6 पीस पैकिंग में अवेलेबल है जी। ये आपके वेस्ट बंगाल में सबसे मोस्ट रनिंग आइटम है, सबसे मोस्ट रनिंग जी। और दोस्तों सबसे बढ़िया खासियत ये देखिए, मतलब आपका फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है ना सर जी। इसकी वैल्यू आपकी 600 से 700 के बीच। और मार्केट में कितने रुपए में बिक जाता है ये? मार्केट में सर अगर आप एक पीस का जैसे सर, ये इसकी वैल्यू आप
आराम से 20-30% प्लस करके मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं होलसेल में जी। और रिटेल में तो 50% से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, रिटेल में तो 50% का मार्जिन रहता ही है जी। तो दोस्तों आपको मतलब होलसेल यहां से ले जाकर बहुत ही बड़े होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी मतलब आप लोग देख रहे हो, आप एक बार स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके देख सकते हो क्या क्या प्राइसिंग होने वाला है। वीडियो कॉल से माध्यम है यहाँ पे नहीं सर, वीडियो कॉल से नहीं, हमारे पास कैटलॉग बनी कैटलॉग होता है, बहुत ही अच्छा है भैया। तो सर नेक्स्ट आपका पीछे ही लगा हुआ है, कप सेट देखते हैं जी। आ जाइए, ये हमारी टी शर्ट की रेंज है जी, जी। ये भी आपके बंगाल में बहुत मोस्ट सेलिंग आइटम है। ओके, जैसे शादी में गिफ्टिंग के लिए या उस फंक्शन में गिफ्टिंग के लिए ये ओके काफी चलता है वहाँ पे। तो ये हमारी लस्टर सीरीज का टी शर्ट है। हाँ। इसकी वैल्यू 240 से लेकर 260 के बीच में रहती है। 240 से लेकर 260 तक जी पूरा सेट। हाँ। गिफ्ट पैकिंग में आएगा आपका, बिल्कुल कुछ इस तरीके की गिफ्ट पैकिंग होगी इसकी। ओके, थर्माकोल में आएगा ये, बेस इसका थर्माकोल, टूटने फूटने का तो चांस ही नहीं रहता। थर्माकोल बेस होगा इसका और अपर कॉरोगेटेड होगा। इसमें फिर हमारे पास में ट्रांसफर सीरीज है, ये हमारी ट्रांसफर सीरीज है, ये आपकी 240 से 260 के बीच में रहती है। ये हमारी स्टैंडर्ड सीरीज होती है टी शर्ट में। फिर इसके बाद में जो आप ये सारा देख रहे हैं ये सारी प्रीमियम सीरीज है, प्रीमियम सीरीज के अंदर जी, ये सारी प्रीमियम सीरीज है। ओके, ये हमारी 300। सो दोस्तों आप मतलब ये मत सोचिए, मतलब आप वीडियो के फर्स्ट में आपको पूरा कारखाना यूनिट जो होता है सब कुछ आपको दिखा दिया हूं, एक एक सैंपल करके यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो आपको जितने भी प्रोडक्ट चाहिए उतना बल्क क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, है ना भैया जी। बिल्कुल। तो चलिए अभी नेक्स्ट आइटम क्या होने वाला है थोड़ा कुछ दिखा दीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास में हांडी वगैरह है। ओके, और आपको सारे तरीके के जार्स मिल जाएंगे पेंटिंग में। Okay. इसके पास में हमारी सारी रेंज रहती है। और इसका प्राइसिंग क्या रहता है भैया इसका? सर ये फैंसी उसमें आता है, फैंसी सेगमेंट में। इसकी प्राइस 100 से लेके आपकी 200 के बीच में रहती है, 100 से लेके 200 के बीच में। तो दोस्तों मतलब आज का मतलब बहुत सारा आपको प्रोडक्ट दिखाई दिया हूँ, तो आज का वीडियो यही पर एंड करता हूँ भैया जी। थैंक यू भैया, वेलकम भैया।